वेलकम टू द वीडियो। तो देखा आपने न्यूली वेड मेकअप, तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इस मेकअप को कैसे काफ़ी कम प्रोडक्ट में आप कर सकते हैं, यानी कि जितने प्रोडक्ट आपके पास है ब्यूटी किट में ऐड है आप उससे कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना है, यानी अपने फेस को फेस वॉश करी, उसके बाद टोनर की हेल्प से, तो मैंने यहाँ बायोटिक का रोज़ वाटर टोनर लिया, या फिर आप चाहें प्लेन रोज़ वाटर से भी अपने पूरे स्किन को अच्छे से एक पैड लें, छोटा सा ये जो कॉटन पैड आता है उसमें 2-3 ड्रॉप डालें और अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें ताकि जितने भी डर्ट है आपके स्किन से निकल जाए, ताकि जब भी आप मेकअप यूज़ करें तो बिल्कुल एक फ्लॉलेस ग्लो जो होता है वो आपके चेहरे पे आए। तो ठीक, इस तरह से आप अपने चेहरे को पोछेंगे तो देखेंगे सारी गंदगी आपके इस कॉटन बॉल्स में आ गए हैं। अब उसके बाद बारी है हमें अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करने की। तो मैं यहाँ पर कोई भी आपके पास जो मॉइस्चराइज़र है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लैक्मे का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। अब हम थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेंगे और अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करेंगे, उसके बाद ठीक अच्छे से हम लगाएंगे। तो अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है तो आपके एवरीडे यानी रोज़ की मेकअप के लिए काफ़ी आसान सा तरीका मैं बता रही हूँ। काफ़ी लेस प्रोडक्ट आप यूज़ करके काफ़ी खूबसूरत दिख सकती हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मॉइस्चराइज़र अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया अपने फेस पर, उसके बाद थोड़े सा अपने फेस को रेस्ट कराएँगे बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद ही हम यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। आप जो भी फाउंडेशन यूज़ करते, मैंने यहाँ पर इनसाइड का फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है, इसी तरह से आप डॉट डॉट अपने स्किन पे लगाएंगे और ब्लेंड करेंगे। आप जो भी चीज़ से ब्लेंड करते हो, चाहे ब्रश से या फिंगर से, यहाँ पे मैंने ब्यूटी स्पॉन्ज से मतलब ब्लेंडर से यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ स्पॉन्ज से। जी हाँ, आपके पास जो भी चीज़ है आप रेगुलर जिससे भी यूज़ करते हैं ब्लेंड करने में आप कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज लिया है क्योंकि स्पॉन्ज से काफ़ी अच्छा से ब्लेंड होता है आपकी स्किन में फाउंडेशन। तो मैंने देख रहे हैं आप काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है, बिल्कुल एक नहीं लगेगा, हैवी लुक बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक इनसाइड की फाउंडेशन में एक खूबी, उसके बाद 2-3 मिनट आपको रेस्ट देना है, उसके बाद आपको फेस पाउडर लगाना है। आप जो भी यूज़ करते हैं, ये नहीं कि आपको यही ब्रांड यूज़ करना है, मैंने यहाँ पर फिटमी का यूज़ किया, आप जो भी यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से अपने स्किन को टचअप देंगे। तो काफ़ी आसान तरीका मैं न्यूली वेड को बता रही हूँ, ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-4-5 प्रोडक्ट है, उससे आप अपने काफ़ी खूबसूरत और आई कैचिंग देख सकते हैं। क्योंकि जब आपकी नई नई शादी होती है सारे लोग आपको देखते हैं आपकी खूबसूरती को, तो आपको सज सवर के तो अच्छे से रहना ही पड़ेगा। आप चलिए लाइनर की बारी आती है, तो अगर आप लिक्विड लाइनर यूज़ करते हैं तो वो लगा सकते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप यहाँ पे स्केच आई लाइनर लगा सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी आसानी से लग जाता है। देखिए मैं यहाँ पे मैंने लगा लिया है, पतली से स्ट्रोक मारेंगे और आप लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे जो भी यूज़ करते हैं वो अपनी आँखों को खूबसूरत बनाने के लिए आप यूज़ करें, क्योंकि आप न्यूली वेड है, सबकी निगाहें आप पर है तो आपको खूबसूरत दिखना तो बनता है। तो थोड़ा बहुत मेहनत तो आपको स्किन में मतलब शादी के तुरंत बाद आपको करना पड़ता है, आपको खूबसूरत दिखना ही पड़ता है, तो आपको थोड़ा बहुत तो इतना तो मेकअप आपको करना ही पड़ेगा। और ये मैं काफ़ी आसान सा तरीका बता रही हूँ। तो देखिए अब मेरा यहाँ पे मस्कारा सूख गया है, एक कोट के बाद आप दूसरा कोट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी आँखों की जो है वो ओवरऑल हो गई है, लाइनर लगा लिया, मस्कारा लगा। अब हम लिप बाम की बारी आती है, तो आप लिपस्टिक से पहले लिप बाम ज़रूर लगाएं ताकि आपके होठों को नरिशमेंट तो मिले ही, साथ में एक अच्छा सा आपको लिपस्टिक में ग्लो आए, मतलब कि जो हमें नेचुरल चाहिए ना होठों का कलर वो आपका आता है लिपस्टिक लगाने के बाद, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो मैंने यहाँ पर बायोटिक का लिप बाम लगाया, उसके बाद आप लिपस्टिक लगाए, जो भी सेट आप रेगुलर लगाती हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया हुआ है, मैं यहाँ पे रेड कलर लिपस्टिक लगाऊंगी। देखिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, हाँ कुछ इस तरह से। आपको जो भी सेट पसंद है आप वो सेट लगा सकते हैं। तो आप लिप बाम ज़रूर यूज़ करें, उसके बाद ही लिपस्टिक लगाएं, तो ये आपकी होठों को भी प्रोटेक्ट करता है और नरिश भी करता है, और आपकी लिपस्टिक भी काफ़ी टाइम तक टिकी हुई रहती है। तो होप आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा, तो लाइक तो बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए। अब बारी आती है आँखों का, इंडियंस है तो काजल लगाना तो बनता है, तो आप काजल यहाँ पे लगाओ। मैंने हल्का हल्का आखिरी से शुरू करके बीच तक लगाया, पूरी आँखों में नहीं लगाया है मैंने, तो आप भी इस तरह का एक लुक ट्राई कर सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है, आँखों के नीचे आपके काजल स्मज ना हो जाए तो थोड़ा सा आपको पाउडर लगाना है,
जी हाँ, इस तरह से आँखों के नीचे और लिपस्टिक के साइड में आपको लगाना है ताकि स्मच होने से वो बच जाए। तो एक बार आपको टचअप की बारी आती है, वो आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी इयररिंग्स पहनने हैं, गले में पहनने हैं, चूड़ियाँ पहननी है, जो भी पहनना है वो पहन लीजिए। और लास्टली बारी आती है, आप न्यूली वेड हैं तो सिंदूर, जी हाँ, आपकी निगाहें, सबकी निगाहें तो आप पर रहती है, आपने किस तरह का सिंदूर लगाया तो काफ़ी बेटर करता है। तो आप हरी भरी मांग सिंदूर लगाएं, जब आपकी नई नवेली शादी हो रही है तो यहाँ पे चाहे लिक्विड सिंदूर हो या पाउडर सिंदूर लगाती है वो, यहाँ पे मैंने लिक्विड सिंदूर लगाया, देखिए मेरा पूरा लुक। बाकी आप बिंदी लगाएं, जो भी बिंदी, आप छोटी बिंदी, बड़ी बिंदी, आप रेड कलर का ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि आप न्यूली वेड हैं, सारे लोग आपको देखते हैं, आपकी एक एक खूबसूरती को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा पूरा लुक तैयार हो गया है। देखिए कुछ बीच मांग करें आप, ताकि आप और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे, आपकी सिंदूर दिखने वाली है। और रेड कलर का यूज़ करें, चाहे बिंदी में हो, चाहे लिपस्टिक में हो, या जो भी आप चूड़ियाँ चूड़ा जो भी पहन रहे हैं। तो होप मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को कर ले फटाफट से सब्सक्राइब, ऑब्वियसली इस वीडियो को करें फटाफट से लाइक, बाकी जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो होप मेरा ये आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो कैसा लगा मेरा मैरिड लुक न्यूली वेड, तो ज़रूर लिखें कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।